all of us know that being a student, we are going to play a different role in our life. The day will come, once you will become a scholar, a scientist, prime minister, minister, engineers. You have different role to play in your life. Life is not an easy task. It has to go through many challenges. And to feel that challenge is really when we play that act. For that, we are calling the ABP News Channelist, Ms. Prachi, Sakshi and Akhi. They will conduct the whole programs so that show must go on. सुप्रभात आप सभी को एबीपी न्यूज की तरफ से और आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में. आज हम एक ऐसी महिला को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो कि हम बहुतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है. उन्होंने अपने पाँव को गवाने के बाद भी अपने दाहिने पाँव को गवाने के बाद भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, उस पर अड़िग रही और उसको खत्म नहीं होने दिया. उसी के साथ साथ उनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. तो आइए सुधा चंद्रन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी तरफ से और हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से. आपकी पहली हिंदी फिल्म, तो मैं आपको एक्चुअली आपके लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको तो पता है आप इतने फेमस इंसान हैं, तो आपको आपका थोड़ा व्यू एक इंस्पिरेशन के हिसाब से काम में आएगा. तो हमारा पहला सवाल ये है कि आपकी पहली फिल्म नाच मायूरी में आपको फिल्म जगत में एक मशहूर सितारे के रूप में ख्याति थी और ये कुछ हद तक आपकी अपनी जीवन पर आधारित थी. तो आपके खुद पर्सनल लाइफ से ये फिल्म आपको रिलेट किया गया था आप ही से. तो आपने विषम से विषम परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास को भिग नहीं होने दिया. आत्मविश्वास के साथ और दाएं पांव होने के बावजूद भी आपने इसको बरकरार रखा. तो आज नृत्य और सुधा दोनों एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं. अगर हम लोग नृत्य की चर्चा करते भी हैं तो आपका नाम सबसे पहले सभी के मन में आता होगा. तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली सुधा जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं आपसे. बेसिकली मैं एक डांसर थी. जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मम्मी की बहुत चाह थी कि मैं आगे चलकर सक्सेसफुल डांसर बन जाऊँ. ऑफकोर्स सारे पेरेंट्स का यही ख्वाब रहता है कि उनके बच्चे जो है ऑफकोर्स बड़े होकर कुछ एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे ताकि वो सक्सेस कर सके, सक्सेसफुल पॉइंट. तो उसके बाद मेरा पहला शो था जब मैं 8 साल की थी. फिर मैं जब 17 साल की हुई तब मेरे साथ ये मिसफॉर्च्यून हुआ दैट इन अ एक्सीडेंट आई हैड टू लूज माय राइट लेग. उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि आर्टिफिशियल लेग के साथ मैं चल लूंगी लेकिन डांस तो नामुमकिन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया था लेकिन मैं उस वक्त ऐसा कुछ करना चाहती थी कि मैं अपनी सोसाइटी को दिखाऊं. मैंने अपना पैर खोया है लेकिन इट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम डांसिंग. डॉक्टर पी के सेट्टी को जयपुर फिट के लिए अवार्ड मिला तो मैं तभी मद्रास से बॉम्बे आई और डॉक्टर ने एक लेटर लिखी दैट आई वांट टू मीट यू अर्जेंटली. फिर मुझे इमीडिएट रिस्पांस मिला कि हाँ आप आ जाइए जयपुर में आके मुझसे मिलिए. तो मैं जब गई उस पर्सनैलिटी से मिली मैं बहुत इम्प्रेस हो गई क्योंकि वो बहुत वार्म और वेलकमिंग थे. तो फिर चेकअप के बाद मैंने बातों बातों में उनसे पूछ लिया था कि डॉक्टर कैन आई डांस. उन्होंने विदाउट हेजिटेशन से कहा क्यों नहीं, ये तो बहुत सिंपल बात है. तो फिर जब तक वो तब तक मुझे वो बात बहुत नामुमकिन लग रही थी. डॉक्टर के कहने के बाद मुझे बहुत सिंपल लगा, ये भी मुझे बहुत इंकरेज किया. उसके बाद मैं मद्रास जयपुर से बॉम्बे आई फिर से अपने गुरु जी के पास. इनके साथ मैं लगभग 20 साल से थी. गुरु रामस्वामी भवगर उन्होंने भी मुझे बहुत तरह से इंकरेज किया. मैं एक सिचुएशन कोट करना चाहूंगी. मेरा फर्स्ट शो था आफ्टर द एक्सीडेंट. तब बहुत जन ने मुझे एडवाइस
ज्यादा एक्सीडेंट के बाद तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, बाद वाले परफॉर्मेंस में करना। लेकिन मेरे गुरुजी ने जीत पकड़ ली थी कि अगर सुधा नहीं नाचेगी तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। तो ये बहुत सिनेमैटिक है लेकिन यही हकीकत है। उसके बाद मेरे मम्मी पापा को ये पूरा किया जाता है, उनके बिना मैं ये इस पोजीशन तक आ ही नहीं पाती। ऑफ कोर्स अगर अपने इच्छा भी होने से अगर पेरेंट्स अपना हेल्प नहीं करे, साइड से उनका सपोर्ट अगर ना रहे तो कोई भी जितना भी उसमें विल पावर हो तो वो निखर के नहीं आता एक्चुअली। मम्मी पापा के बिना ये इम्पॉसिबल है। सपोर्ट बोला मुझे हर स्टेप में है, एनकरेज करते थे चाहे वो पढ़ाई हो या डांस हो। उसके बाद ऑब्वियसली मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की ब्लेसिंग्स। वो लोग कहते थे कि जब सुधा स्टेज में नाचती है बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद वो लोग भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे और कहने लगे कि स्टेज से एक अच्छी आर्टिस्ट जा रही है। तो मेरे मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, फिर डॉक्टर पी के सेट्टी जो मेरे लिविंग गॉड है, उनकी ब्लेसिंग्स और हेल्प के बिना और मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की हेल्प एनकरेजमेंट के बिना मेरा ये सक्सेस पाना मुश्किल था। यही सब फैक्टर मेरे सक्सेस की वजह है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये चीज़ बताने के लिए। अब शायद उनको भी आपके इस फैक्टर से कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा ताकि वो भी कुछ एक पिनेकल पर पहुँच सके। तो क्या एक और सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ जनरल? तो अब हाल ही में एक आपकी ताजा फिल्म आई है पति परमेश्वर, जिसमें आपने एक बहुत अच्छी नानी का रोल निभाया है। आपको सभी को ये होता है, सभी को करना चाहिए ये रोल, क्योंकि अपने पति के प्रति एक प्रेम उभर के आना चाहिए और उनके प्रति एक मोह माया टाइप की होना चाहिए जो कि सभी में होता है। आपने ऐसी नानी की भूमि आदर की अपने पति के परमेश्वर माम ने, उसके लिए हर बड़ा से बड़ा त्याग कर सकती है, जैसे कि राधा जी ने अपने पति के लिए बहुत से बड़ा त्याग किया। तो हर एक पत्नी को अपने पति के लिए त्याग के लिए वो होना चाहिए। इनके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं समझती हूँ कि शादी इज अ सेंटिमेंट, इज अ इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ, लेकिन मैं जिससे शादी करूंगी वो ही मच बी इक्वल टू मी, और वो मुझे हर बात की लिबर्टी दे कि मैं डांस कर सकूं। और मैं ये भी सुनती हूँ कि लड़कियों को शादी के बाद अपना करियर छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये सिचुएशन अगर मेरे साथ हुई तो I would not get married, बिकॉज मैंने अपने करियर के लिए इतना कुछ किया है, अपने मेहनत किया है, तो मैं उसके लिए तो शादी के लिए तो अपना करियर नहीं छोड़ सकती। और परमेश्वर पति को परमेश्वर वाला मैं नहीं मानती। हाँ, he must be respected, लेकिन धन्यवाद सुधा जी, आपने बहुत सारे लोगों को, हमारे दर्शकों को एक प्रेरणा का स्रोत दिया अपने अपने सवालों से। तो धन्यवाद।